आज हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन। इसके पहले हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम अल्किन कैसे बनाएंगे, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन। तो अल्किन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्किन की प्रॉपर्टी यह होती है कि यह अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। ऐसे कुछ है, देखो यह है अल्केन, यह है अल्केन और यह है अल्किन। अल्केन क्या होता है? यहां है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अल्केन है। अल्किन क्या होता है? अल्किन होता है C डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ अल्किन। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्किन ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? अल्केन से। ऐसा क्यों होता है? दिमाग लगाओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है और यह बॉन्ड सिग्मा है, इसमें दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और दूसरा पाई है। तो हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा कठिन होता है पाई के कंपेरिजन में, तो यहां से पाई बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है, तो यहां इसकी ब्रेकिंग फास्ट है इसके कंपेरिजन में, इसलिए ये क्या है आपका रिएक्टिव ज्यादा है। इसलिए हम अल्केन से बात कर रहे हैं, अल्किन की बात कर रहे हैं यहां पर, अल्किन से ही हमने स्टार्ट किया है कि अल्केन के कंपेरिजन में अल्किन क्या है हमारे पास में मोर रिएक्टिव होता है। अब अल्किन की हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी, तो अल्किन हमारे पास में तीन प्रकार के रिएक्शन देता है, ये तो पहले भी आपको बताया है। कौन कौन सी रिएक्शन? पहला है एडिशन रिएक्शन, दिख रहा है ना, मैं और कलाकारी कर देता हूं इसमें, ये देखो पहला है आपका एडिशन रिएक्शन, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है आपका हम यहां पर पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। एलिमिनेशन तो मैं आपको पढ़ा ही दिया था, है ना, ऑक्सीडेशन। तो यहां ये तीन हम देखने वाले, एडिशन सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। अब एडिशन रिएक्शन में हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अच्छा यहां X2 क्या है? यहां X2 है आपका Cl2 Br2 I2 F2, ये X2 है, ये है आपका हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड या हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। ये क्या होता है आपका HX, यहां हो जाएगा आपका HCl HBr HI वगैरह वगैरह। तो एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ, अच्छा यहां H2O में भी हमारे पास, यहां हमारे पास में HX में दो प्रकार की प्रोसेस आएगी, पहला एंटी मार्कोनिकोफ और दूसरा मार्कोनिकोफ। यहां हम दो चीज पढ़ेंगे इसमें, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। अब यहां आता है हमारे पास में एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर को एडिशन कराएं कि हमारे पास में तीन प्रकार की मेथड हम यहां पर देखेंगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ये तो हो गई, और एक आपका बीच की। तो ये हमारे पास में यहां पर तीन मेथड हमको देखना है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ओजोनोलिसिस, बाकी H2SO4 तो मैं आपको करवा ही दिया, ये रिएक्शन भी हम कर लिए। तो ये सारी रिएक्शन मेडिसिन में देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखने वाले हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम NBS को पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में हम क्या देखेंगे? कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या बेसिक KMnO4, कोल्ड के साथ KMnO4, डाइल्यूट के साथ KMnO4 क्या रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्शन देता है। एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Ca2O7 और आपका हाइड्रो ऑक्सीडेशन, ये सारी रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर तो किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, कौन सा स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं यहां आपका पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जो पहली रिएक्शन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, आपको दिख रहा है ना, अल्किन की लेने, ये हुआ आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की दो प्रोसेस थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की दो प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस थी? एक तो था हमारे पास में वन स्टेप रिएक्शन, वेरी फास्ट पार्शियली कंप्लीट रिडक्शन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ना, पुरानी वीडियो, अब ये नहीं पता कौन सी वीडियो है, कब है, दूसरा तीसरा ये याद नहीं है। तो एक हमने पढ़ा था कंप्लीट और एक पढ़ा था हमने पार्शियली, कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियली रिडक्शन पढ़ा था ना, उसमें हमने हाइड्रोजन को क्या किया था, ऐड किया था, बस नहीं मेरे।
तो यहां पर हमारे पास में कंप्लीट की यदि हम बात करते हैं, पार्सली तो मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था, हमने बर्च रिडक्शन देखा था और हमने P2 कैटलिस्ट देखा था, और हमने क्या देखा था, बर्च रिडक्शन था, P2 कैटलिस्ट था, और तीन चार रिएक्शन और थी ना अपनी, ये सारी रिएक्शन अपने यहां देखे थे, हम जाके देख लेने लास्ट क्लास की वीडियो थी। पार्सली हमने किया, कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए यहां पर आपने क्या डाला था, H2NI या H2PT या H2PD आप डाल दीजिए। डालेंगे क्या होगा, यहां से ये वाला बोन ब्रेक हो जाएगा, जब ये बोन ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा और यहां से ये हाइड्रोजन जाके एक यहां चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से एक यहां, तो ये बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बोन बना CH3। ये देखो तो ये प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन है, कि अल्किन की प्रॉपर्टी क्या है, अल्किन की प्रॉपर्टी है कि वो आपका एडिशन रिएक्शन देता है। अब एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है उन्होंने यहां पर लिख दी, और भी है बहुत सी है, बहुत सी, लेकिन फिलहाल हम इतनी डिस्कशन यहां करने वाले। तो ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। NI के साथ में याद रखना जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, NI के साथ में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है आपका, हाई टेम्परेचर होता है। इतनी बात सही में आई, आई। अच्छा इसका एक नाम भी है, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं आप सेबिटर, दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है आपका सेबेटायर, क्या नाम है मैं देख ही नहीं, प्रोनंसिएशन ठीक नहीं आ रहा मेरा, और इसको बोलते हैं आप सेंडेंस रिएक्शन, ये इसका नाम है, इस रिएक्शन को बोला जाता है। ये तो पहला एग्जांपल हुआ, या कहें कि पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या है आपका, दूसरा इसी में मान लीजिए आपका ले लेते हैं हम CH3, दूसरा हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2 PT PD रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है, क्या होगा यहां से बोन ब्रेक कर दो, क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH3 बन गया। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी की, आपका एडिशन रिएक्शन देता है, हमने यहां पर हाइड्रोजन का क्या कर लिया, एडिशन करवा दिया। तो इसी के साथ आपका पहला कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। अच्छा एक बात हो रहा है, यदि मान लो हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लें एक बार। तो ये हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर यदि हमने ये डाल दिया, क्या डाल दिया, H2 कुछ भी डाल दो, NI डाल दो, PT डाल दो, PD डाल दो, जो आपको डालना है डाल दिया। टेम्परेचर याद रखना, ये हाई टेम्परेचर है, यहां कौन सा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये काम हो जाता है। तो क्या होने वाला है हमारे पास में, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसमें जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, यहां नहीं रुकेगी ये रिएक्शन, दोबारा अटैक करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये है हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टी, कि ये हमारे पास में क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करा देता है, ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल, ये डालना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला कंप्लीट हुआ हमारे पास में हाइड्रोजन का। और भी रिएक्शन मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको यहां लिख देता हूं कि हमने जो रिएक्शन की थी कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन देखी थी हमने, E2 रिएक्शन देखी थी हमने, देखी थी ना, यहां एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन भी थी हमारे पास में, कौन सा था याद करो, हमने क्या यूज किया था, H2SO4 कंसंट्रेटेड, साथ में हमने हीट किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन देता था, याद है। देन हमने क्या यूज किया था, हमने ड्राई HCl यूज किया था, ये सारे हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट या रिएजेंट हमने क्या किया था, यहां पर यूज किए थे, बात समझ में आ रही है। तो ये जाके कर लेना, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख लेना, वहां काफी ये दिया हुआ है। हाँ हमने ये पार्शियल रिडक्शन भी हमने किया था, तो इसके हमने चार मेथड देखी थी, पहला हमने यहां देखा था बर्च रिडक्शन भी देखा था, P2 कैटलिस्ट भी देखा था, यहां हमने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी हमने यहां पर देखी थी। तो पहला इसी के साथ जब ये आप ये सारे कर लोगे ना, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, पहली वीडियो दूसरी वीडियो जब आप करोगे तो उसके साथ में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजन का एडिशन। अब बात करते हैं हम किसमें, एडिशन ऑफ हेलोजन, लिख लो इतना जल्दी से, लिख लिया होगा। तो अब हम देख रहे हैं कौन सी, दूसरे नंबर की एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन है, बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत बढ़िया,
तो याद रखना यहां पर जो रिएक्शन है ये होती है आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पहले अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म से मैं आपको समझा दूंगा कैसे, हालांकि मैकेनिज्म आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शायद मैकेनिज्म से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां जो मैकेनिज्म होती है वो है आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मालूम है ना, जिसको प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो डेफिशिएंट होता है। एडिशन रिएक्शन तो है ही, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास में हेलोजन दो प्रकार के रिएक्शन रखते हैं, एक सिन अटैकर और दूसरा एंटी अटैकर। तो हेलोजन हमारे पास में एंटी अटैकर होते हैं, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, दो प्रकार की रिएक्शन रखते नहीं है, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, सिन और एंटी। तो हम सभी को मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एंटी एंटी एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मैकेनिज्म में आपको बाद में समझाऊंगा। अब यहां बी आर लिया है तो स्वाभाविक बी आर वाला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन बी आर टू, एडिशन ऑफ बी आर टू किसमें कर रहे हैं अपन, टू अल्कीन, एडिशन ऑफ बी आर टू टू अल्कीन, बी आर टू का एडिशन कर रहे हैं। कोई अल्कीन ले लो, यहां ये जो अल्कीन है यही ले लेते हैं अपन, ये है अपने पास में अल्कीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हमने बी आर टू का यूज किया। लेकिन ये होता है आपके पास में सी सी एल फोर के प्रेजेंस में, याद रखना ये रिएक्शन होती है आपके पास में सी सी एल फोर के प्रेजेंस में। अब सी सी एल फोर के प्रेजेंस में क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, ये सारी बातों का हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अब वो समय नहीं है। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू। यहां से दो बी आर आए, एक बी आर हमारे पास में ऊपर से लगता है, एक बी आर हमारे पास में नीचे से लगता है, ये होता है हमारे पास में एंटी अटैकर, ठीक है, सिन और एंटी। तो ये है हुआ हमारे पास में एंटी अटैकर एंटी एडिशन। अपोजिट साइड ये होता है आपका एंटी अटैकर, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बात करते हैं, मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड है, बहुत अच्छा समझना क्या है इसका, डबल बॉन्ड है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, आठ इलेक्ट्रॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो हमने इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया। जब इसके ऊपर प्लस आया है और दो इलेक्ट्रॉन यहां गए, इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ दो इलेक्ट्रॉन गए चले गए, तो यहां आठ इलेक्ट्रॉन थे, कितने बचेंगे आपके, छह इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन है, देखो दो दो चार और दो छह और दो आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है, अब यहां आती है हमारे पास बी आर टू की एंट्री, बी आर की एंट्री आई, बी आर ने अपने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस वाले के ऊपर माइनस, इस वाले के ऊपर प्लस, ये वाला माइनस ने क्या किया कि इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बचा खाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैकेंट लिख सकते हो ना, यहां प्लस चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब प्लस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, छह, देखो अभी कितना लिखा है, छह। ये वाला बी आर यहां आ गया, तो ये वाला बी आर हमारे पास यहां आया, तो ये हमारे पास बी आर आके जुड़ गए। अब बी आर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो अभी इस वाले बी आर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, छह, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इसके पास कितने हैं, आठ इलेक्ट्रॉन, इसके दो की आवश्यकता है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बी आर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ, कैसे, दो दो चार और चार आठ हो गए आठ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, चार तो हाइड्रोजन के हो गए, दो हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन, और ये दो, भाई हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड बनाया तो एक ये बॉन्ड, तीन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, छह। तो इसके पास प्लस चार्ज है, ये वैकेंट है, यहां ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कहां से अटैक किया, ध्यान से देखना, ये बी आर आया नीचे आ गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसके ऊपर परेशानी है, इस बी आर को देखा नहीं गया, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए,
जिससे कि ये भी हैप्पी हो सके। हो गया हैप्पी। अब क्या हुआ, जब दो इलेक्ट्रॉन गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी की तरफ से गए, किसकी तरफ से, बीआर की तरफ से। बीआर ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसको, सीएच टू को दे दिया। अब क्या हुआ कि इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास तो थे ही आठ इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन है। देखो जरा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके पास भी आठ, तो यहां भी आठ, यहां भी आठ और यहां भी आठ। तो जो स्ट्रक्चर इसका बनता है वो ये बनता है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ये यहां इसका स्ट्रक्चर बनता है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। इसको बोलते हैं एनसीएस, वो एनसीसी। एनसीसी मतलब क्या हुआ, अच्छा ये क्या है, इसका एक नाम है एनसीसी और दूसरा नाम है इसका क्लासिकल ब्रोमियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, क्लासिकल ब्रोमोनियम आयन। एनसीसी का नाम क्या है, एनसीसी है मतलब हमारे पास में, देखो एक हमने पढ़ा है ये वाला CH3+, आपने पढ़ा है ना, CH3+ पढ़ा है। ये है हमारे पास में एनसीसी, नॉन क्लासिकल कैटायन। सी मतलब क्लासिकल, सी मतलब कैटायन, एन मतलब नॉन, नॉन क्लासिकल कैटायन, नॉन क्लासिकल कैटायन। क्या बोला हमने, नॉन क्लासिकल कैटायन। तो एनसीसी का मतलब होता है नॉन क्लासिकल कैटायन। एनसीसी का मतलब क्या होता है, एनसीसी का मतलब होता है आपका नॉन क्लासिकल कैटायन। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है क्लासिकल कैटायन और एक होता है नॉन क्लासिकल कैटायन। तो ये हुआ हमारे पास नॉन क्लासिकल कैटायन। और यहां जो लिखा था, जैसे CH3 जो अभी हमने लिखा था CH3+, अब हम बोलेंगे क्या इसको एनसीसी बोल सकते हैं, नॉन क्लासिकल कैटायन। तो आंसर है कि हम इसको नॉन क्लासिकल कैटायन नहीं बोलते। नॉन क्लासिकल कैटायन का मतलब यह होता है कि जिसका सारा का सारा जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में स्टेबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखो यहां आठ इलेक्ट्रॉन, यहां आठ इलेक्ट्रॉन, यहां आठ इलेक्ट्रॉन, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नॉन क्लासिकल कैटायन, या इसका दूसरा नाम है क्लासिकल ब्रोमोनियम आयन, क्लासिकल ब्रोमोनियम आयन। ये दो नाम है इसके, हो गए। अब क्या हुआ, अब बात करते हैं ये CH3 की। तो क्या CH3 को हम नॉन क्लासिकल कैटायन बोलते हैं, आंसर है नहीं, इसको हम नॉन क्लासिकल कैटायन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल क्लासिकल कैटायन। क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल कैटायन। तो क्लासिकल कैटायन और नॉन क्लासिकल कैटायन में अब स्टेबिलिटी की बात आई। ये मैकेनिज्म क्यों बताया मैं आपको, ये मैकेनिज्म इसलिए बताया मैंने आपको ताकि मैं आपको यहां ये बता सकूं कि हमारे पास में जो क्लासिकल कैटायन होता है ये लेस स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कैटायन से। इसको याद रखना, नोट लगा के लिख लेना, ये वाला कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ये लेस क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लासिकल कैटायन में यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8। अब यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इन पे भी क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लासिकल कार्बो कैटायन, इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन। तो यदि मान लो कभी आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आए, तो क्लासिकल कार्बो कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन। इतनी बात समझ में आई, आई। तो अपन कहां आए थे, एक बार दोबारा बताता हूं, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, प्लस आया, माइनस आया, ये माइनस इस पे गया, यहां अपने पास बी आ गया, इससे प्लस चार्ज है। समझाने के लिए मैंने आठ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं आपको। उसके बाद फिर क्या हुआ, इससे इसके परेशानी देखी नहीं गई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए और ये बन गया। अब क्या हुआ, इसको और करके हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये था, ये सीधे मैंने ऐसे लिख दिया, ये है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां BR की एंट्री हुई। अच्छा ये होता, पहले अटैक किसमें किया, पहले अटैक किया BR+ ने। BR+ क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको प्लस चार्ज हो क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए हमने बोला कि जो एडिशन हेलोजन है आपका, यहां पर एडिशन ऑफ हेलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, BR+। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, यहां जो BR+ क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हो गया।
अब क्या होगा, अब ये ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन ने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, जैसे ही बीआर ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाना चाहा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिए। जब इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिए तो कितने हुए, दो, दो चार, दो छह और दो आठ। तो अब ये बीआर अटैक कहां किस किया, ऊपर से, ये बीआर यहां से चला गया तो एक ऊपर बना एक नीचे बना, इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोलते हैं आप ट्रांस। जब एक ऊपर से एक नीचे से अटैक करता है उसको बोलते हैं ट्रांस, दोनों जब सेम साइड से अटैक करते हैं उसको बोलते हैं सिस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। बात समझ आ रही है, ये थी इसकी मैकेनिज्म, ये था आप एडिशन ऑफ हैलोजन। उसी प्रकार से आप यहां सीएल भी लगा सकते हो, आई भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा यूज कौन से करते हैं, बीआर और सीएल का हम यहां पर यूज करते हैं। यहां समझ में आया, तो ये है हमारे पास में एडिशन में पहला हुआ, दूसरा हुआ, दूसरे में हमारे पास में दो है, यहां आप सीएल भी लगा के चाहो तो कर सकते हो। हाँ, ये याद रखना यहां हमने किसकी प्रेजेंस में किया, आपको सीसीएल फोर की प्रेजेंस में हमने यहां पर किया है, ये इसके लिए मस्ट नेसेसरी है। अब हम करेंगे किसकी बात, HX की बात, HCl और HBr की बात करेंगे हम। तो HS और HCl, HBr में हमारे पास दो मेथड आएगी, एक है आपके पास में मार्कोनिकोफ और दूसरी आपके पास में एंटी मार्कोनिकोफ। तो पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद फिर थोड़ा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो आप, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है, ये आपके पास में एक अल्किन है, इसके ऊपर आपने अटैक किया बीआर टू का या सीएल टू का, जिसका भी आपको कराना है करा लो, किसके प्रेजेंस में होगा, सीसीएल फोर के प्रेजेंस में होगा। तो सबसे पहले क्या रहा होगा, देखो यहां से बीआर है तो ये अटैक किया होगा, करो इसका आंसर बताओ कितने आएंगे प्रोडक्ट, बताओ आंसर। देखो सबसे पहले यहां अटैक करेगा आपका बीआर प्लस, हमने देखा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां से ये वाला बोन ब्रेक होगा, हो गया, तो ये हमारे पास में बोन ब्रेक हुआ, एक पे प्लस एक पे माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ये माइनस बीआर को जाएगा, ये बीआर को यहां माइनस चला गया, तो इसने इसके साथ क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। इस बीआर ने देखा कि यार इसके पास में प्लस है, तो ये क्या करता है, यहां से अपना यहां इलेक्ट्रॉन दे देता है, लोन पे दे देता है, ऐसे किया था ना अपने इसके पहले किया। अब क्या करता है आने वाले समय में, आने वाले समय में यहां से अब बीआर अटैक करता है माइनस, यहां से अब बीआर माइनस अटैक किया, जब बीआर माइनस अटैक करता है तो क्या बनता है आपका, आपका ये बनता है भाई, ये बीआर यदि फ्रंट से है तो ये वाला बीआर कहां से आएगा, बैक साइड से, ये आपका बैक है तो ये आपका फ्रंट साइड से जाएगा, अपोजिट जाएगा, नहीं समझ में आया, ऐसा समझो ये ऐसे बनेगा, ये एक बीआर यदि मान लो पीछे साइड है तो दूसरा बीआर कहां से लगेगा, फ्रंट साइड से लगेगा, यही तो होगा कि नहीं होगा भाई, इसका तो यही बनेगा ना, जैसे बीआर डालोगे आप ये बन जाएगा, बन गया आपका। अब आपसे बोला कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको मालूम है यहां ये कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, एक ये और एक साइड ये लगा हुआ है, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, यहां मिरर इमेज रखो, मिरर इमेज रख लिया आपने, कायरल कार्बन है ना, सही में आ रही ना, क्यों कायरल कार्बन है, ये देखो यहां आपका एक हाइड्रोजन, यहां आपका एक हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाते हैं जिसके जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, एक क्या है बी आर एच एक है, ये एक है और ये एक ग्रुप अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ भाई, यहां से देखो ना, मान लो यहां से हम देखे तो एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पूरा पार्ट कायरल हुआ, उसके बाद ये भी क्या हुआ आपका कायरल हुआ अपने आप में। अब यहां पर हमने एक मिरर इमेज डाली, मिरर बनाया, जब मिरर बनाया आपका तो हमारे पास में ये बनेगा इसका भाई, यहां से ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इधर दिखाई देगा बी आर, ये यहां दिखाई देगा बी आर, दिखाई देगा कि नहीं देगा, कितने कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है,
क्योंकि एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से। आप बोलोगे सर यहां से हमने डाल दिया प्लेन कट गया, यहां से हम डालेंगे प्लेन कटेगा। अरे प्लेन कहां से कटेगा, एक सामने साइड है एक पीछे साइड है, नहीं कटेगा ना। तो प्लेन आप सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड कितने कंपाउंड हुए टोटल, दो, एक और एक दो। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, बोलो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड कहलाता है आपका रेसिमिंग मिक्सचर। भाई ये यदि आपका डी है तो ये क्या है आपका एल है, ये यदि आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा कंपाउंड कौन सा कहलाएगा, ऐसा कंपाउंड कहलाता है आपका रेसिमिंग मिक्सचर। क्या कहलाता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। बात सही में आ रही है, सही में आया कि नहीं आया, कि भाई सिंपल सा था। यहां हमारे पास क्या था, अलकिन था, बीआर ने अटैक किया, अटैक करेगा तो यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इस प्रकार से प्लस आएगा माइनस आएगा, यहां ऐसा लग गया। चाहो तो सही में नहीं आ रहा तो इसको पार्सली पॉजिटिव दे दो, इसको पार्सली पॉजिटिव दे दो, इसको पार्सली पॉजिटिव दे दो, ये एक ऐसा समय बन जाएगा यहाँ तीनों क्या हो जाते हैं पार्सली पॉजिटिव आते हैं। आने वाले समय क्या होगा, आने वाले समय ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, ये बीआर अटैक यहां करेगा और ये आपका बन जाएगा। जब ये बना आपके पास में, ये बना आपके पास में, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा। जब इसका मिरर इमेज बना तो आपका ये बन गया। तो ये कहलाता है आपका रेसिमिंग मिक्सचर। ये आपका डी, तो ये आपका क्या रहेगा एल, रेसिमिंग मिक्सचर कहलाता है। और इसको आप क्या बोलते हो, इनेंसियोमरी बोलते हैं आप। क्या बोला जाता है आपका, इनेंसियोमर बोला जाता है। भाई समझ आई, चलो मैं इसको मिटा दूं। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि यदि सपोज करो हम आपको देते हैं सी एच थ्री सी डबल बोन सी, ये हो जाएगा सी एच थ्री, यहाँ एच दे दिया, यहाँ एच दे दिया। अब आपसे बोला है कि इसमें आप हेलोजन का एडिशन करो। सपोज करो आप यहाँ बी आर टू लगा रहे हो, किसके प्रेजेंस में क्या रहेगा यहाँ कैटलिस्ट, सी सी एल फोर, ठीक है। हम जानते हैं ये कौन सा एडिशन होता है, एंटी, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा ये, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन होगा, हो गया। कैसे लगेगा एंटी एडिशन, कैसे होगा यहां अवेलेबल साइड और नॉन अवेलेबल साइड। तो एक बी आर यहां लगेगा, दूसरा बी आर यहां लगेगा, अवेलेबल ये, नॉन अवेलेबल ये, क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा सी एस थ्री सी डबल वन सी सी एस थ्री। ध्यान से देखना, ये अवेलेबल नॉन अवेलेबल पे लगा यदि बी आर, तो यहां क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, हो गया। और यदि मान लीजिए यहां लगा आपका अवेलेबल पे, अच्छा ये डबल बॉन्ड सिंगल बदल गया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया है ना, यहां अवेलेबल पे लगा नॉन अवेलेबल पे, क्या हो जाएगा आपका बी आर, क्या हो जाएगा आपका एच, ये इधर ही ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो मालूम है ना। सिन और एंटी, सिन एडिशन एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन रखता है आपका हेलोजन ग्रुप। अब देखो इस कार्बन की चार वैलेंसी है जो कि डिफरेंट है, इस कार्बन की चार वैलेंसी है जो कि डिफरेंट है, कौन सा कार्बन है आपका, कायरल कार्बन है, बहुत बढ़िया। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है, ये कि सुपर इम्पोज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। अब यहां एक अपन मिरर रख देते हैं, रखो ये मिरर, ये आपने एक मिरर रख दिया यहां पर, क्या बनेगा आपका, ये सी एस थ्री है, ये बना यह सी एस थ्री, ये सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी सी एस थ्री, ये एच है इधर दिखाई देगा, ये बी आर इधर दिखाई देगा, ये बी आर इधर दिखाई देगा, और ये अभी भी ये कायरल कार्बन है, ये दो कायरल कार्बन है। अच्छा ये अगर यदि डी है तो ये आपका एल है, रेसिमिंग मिक्सचर। तो कितने कंपाउंड है, सपोज करो उसने बोले कि आपसे बताइए इसका कितना कंपाउंड बनेगा, इसका कितना कंपाउंड बनेगा, तो कितने कंपाउंड बनता है आपके, दो डी और एल, दो कंपाउंड हो गया आपके, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको यदि आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है आपका, देखो दोनों एच एक ही साइड लगे हुए, ये आपका सिस है, ये आपका क्या है सिस है, सिस में आपने क्या कराया, एडिशन कराया किसका, हेलोजन का। सिस में
आपने एडिशन कराया, एंटी एडिशन, सिस में एंटी एडिशन कराया, ऐसा समझो, देखो देखो ऐसा समझो कैसे समझो, सिस के साथ एंटी एडिशन कराया, एंटी एडिशन, सिस के साथ एंटी एडिशन कराया, किसके साथ, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, सिस के साथ एंटी एडिशन कराया Br2 का CCl4। वो आपसे पूछ सकता, बताइए कौन सा कंपाउंड बनता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका सिस है कि नहीं है, सिस है ना, अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, C11C, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, देखो दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, CH3 ये हो गया आपका और CH3 ये हो गया आपका, तो ये क्या है आपका, सिसी तो है, इसके ऊपर आपने एंटी एडिशन कराया, Br2 हेलोजन की एडिशन कौन सी होती है, एंटी एडिशन, ये लो इसके ऊपर, यहां पर उसने एक C2 डाल दिया, किसकी, CCl4। अब आपसे बोला बताइए जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका, कितने बनेंगे, ये पूछ सकता है, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका एक दूसरे के मिरर इमेज है, यहां रखेंगे जिसके मिरर इमेज ये बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा दो कार्बन का बने है, क्या मिरर इमेज सुपरइम्पोज हो रही है, नहीं हो रही है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड कैसा आपका, ये कंपाउंड हुआ आपका ऑप्टिकली एक्टिव, अभी पढ़ा था अपन ने, ये क्या कहलाएगा आपका, इनेंसियोमर, ये क्या कहलाएगा आपका, इनेंसियोमर, तो ये कंपाउंड कौन सा बना आपका, इनेंसियोमर, या इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या बनेगा, रेसिमिंग मिक्सचर, पता है ना रेसिमिक मिक्सचर जो अभी लिखवाया था अपन ने, तो वो बोल सकता है कि जब सिस और एंटी एडिशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, रेसिमिंग मिक्सचर या इनेंसियोमर, ये आप नोट लगा के लिख लो इसे नोट, यदि सिस प्लस एंटी एडिशन होगा तो कौन सा कंपाउंड होना आपका, रेसिमिंग मिक्सचर, यार होने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, यदि आप देखना चाहो तो, ठीक है, बहुत सी चीजें बता सकते हैं, बहुत सी चीजें कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जो सामने आ रही है फिलहाल तो उसको याद रखो, बाकी जो कनेक्टिविटी है वो आप लगाते रहना, कहां से क्या कनेक्ट होगा क्या नहीं होगा, ये बार 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 प्रैक्टिस करने से, मैं इसमें बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसी पर ध्यान दो, इतना ध्यान दो। तो ये आपका एक सिस था, एंटी अटैक हुआ, सिंगल बना, ये बना इसके मिरर इमेज, इस प्रकार से आपका, ठीक है, चलो लिख लो इसको, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं इसको, जल्दी लिखो, दूसरा करते हैं, ये पहला, अब दूसरा, ये सिस अल्किन था, ये सिस अल्किन लिख लो, अब मान लीजिए हम ट्रांस लेते हैं यहां पर अल्किन प्लस, उसमें एंटी एडिशन कराते हैं, एंटी एडिशन कराते हैं, और आपसे बोला बताइए क्या बनेगा, तो सिस अल्किन ले लो, एंटी एडिशन मतलब किसका, Br2 और CCl4, उसने बोला कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो ट्रांस अल्किन ले ले, ट्रांस कैसे बनेगा, इसको ऐसे बना सकते हैं, यहां CH3 लगा दो, यहां CH3 लगा दो, ठीक है, ये H है, ये इधर ये H है, ये ट्रांस हो गया आपका, ये सिस था, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया, अरे ऐसे बनाओ ना यार, ये देखो ये है आपका CH3, ये C डबल बॉन्ड C CH3, ये एक H इधर, ये ट्रांस दिखा के नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है, ट्रांस है। अब उसने बोला एंटी एडिशन, ये लो Br2 CCl4 का यूज कर लिया, क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो, क्या बना आपका, CH3 C सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH3 हो गया, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H हो गया, Br है, एक Br यहां लगा दो और एक Br यहां लगा दो, कौन सा कार्बन बना है, कार्बन, कौन सा कार्बन है, कार्बन कार्बन हो गया, हो गया। अच्छा एक बात और देखो, क्या क्या ये बात सही, ये सही है आपका आंसर, ऐसे होता है, नहीं होता, गलत होता, क्यों गलत है ये आपका, क्यों गलत है, क्योंकि हम एंटी एडिशन कराया है, और एंटी एडिशन में याद रखना आप, एंटी एडिशन में अवेलेबल साइट
और नॉन अवेलेबल साइड अटैक करता है। भाई यदि मान लो इस बीआर ने इधर अटैक किया तो ये तो अवेलेबल साइड है, दूसरा अटैक इधर करेगा ना बीआर, नॉन अवेलेबल साइड, तो ये गलत आंसर है। ऐसा नहीं होगा, ये इधर एच होगा, इधर क्या होगा आपका पास में बीआर होगा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा किया करो, एक को सेम रखा और दूसरे को पलट दिया करो, जो आप करा रहे हो दोनों अवेलेबल साइड पे अटैक करा दो, दोनों अवेलेबल साइड पे अटैक करा दो और पलट दो, ऐसा कर सकते हो। या आंसर मतलब ये लो, अवेलेबल साइड और नॉन अवेलेबल साइड, एच को एक तो सबसे पहले जो खाली जगह वहां लगा दो, और जो एच लगा हुआ है या जो भी कंपाउंड लगा हुआ है वहां लगा दो, उसको दोबारा पहुंचा दो उधर। तो ये है हमारे पास सही आंसर, इसके पहले जो बनाया था वो गलत था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये अटैक करता है अवेलेबल और नॉन अवेलेबल साइड के ऊपर। अच्छा देखो, क्या इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाँ बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा है आपका? इनएक्टिव। तीसरी बात, ये एक ही बोन के रोटेट हो रहा है, कायरल कार्बन भी है, इसलिए कैसा कंपाउंड है? मीजो। कैसा है आपका? मीजो। मतलब क्या हुआ, ट्रांसल्कीन में एंटी एडिशन कराएंगे तो कंपाउंड कैसा बनेगा आपका? कंपाउंड बनेगा आपका मीजो। क्या बनेगा आपका? मीजो। ये याद रखना, ये छोटी सी ट्रिक है आपकी, ट्रिक। ट्रांसल्कीन एंटी एडिशन मीजो बना, सिसल्कीन एंटी एडिशन एरेसिमिक बना। अच्छा यहां एक को लिखो दो, ये आपका दो हो गया, तीसरा लिखो। यहां पे बता देता हूं, यदि हमारे पास में सिसल्कीन होता, सिस अल्कीन प्लस ट्रांस के सिन एडिशन होता, सिन एडिशन होता, तो जो रेसिमिंग मिक्सचर ना बनके क्या बनता? उसको मीजो बनता। बना के देखना आप, मीजो। ये छोटी छोटी बातें हैं हालांकि इंपोर्टेंट है, बना के देखना। बात समझ में आ गई? ये हमने अभी कंप्लीट किया एक और एक दो, दो यहां कंप्लीट हुए। अब तीसरे की बात करते हैं हम, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। हम इसके आने वाली वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? HX के साथ हम रिएक्शन कराएंगे।